चाचा यूट्यूब बना रहा बच्चों। ईद का तीसरा दिन है तो बच्चों के पास ईदियाँ खत्म हो चुकी हैं। ये रख लो, पूरे रख लो आप, ठीक है अंकल? आपने तो कमाल ही कर दिया आज। हम अच्छा, अच्छा ये हेलो ले लिया, वो लेंगे और यहाँ पे ले जाओ, बाहर लेके चले जाओ। एक इसको दो, आप भी लेके चले, इसको दो, बच्ची को, इनको दो, एक हाँ एक लेके लाइन में हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। ईद का दूसरा दिन है और कोई रिवायती ईद नहीं है हमारी कि हम आपको नए नए कपड़े पहन के दिखाएं या फिर खाने पीने दिखाएं, बिल्कुल नहीं है। पैसे सब खत्म कर दिए, उड़ा दिए। कितनी ईदी हुई थी? ईदी कितनी हुई थी कल? कितनी हुई थी ईदी? 150 रुपये हुए थे। क्या हुआ, किसने मारा है? अच्छा रुपए की बस 50 की, क्या बात है यार। इनको तो बिरयानी दो, सबको सबको दो 50 रुपए की दो सब। अच्छा तो ईदी कितनी मिली थी? ईदी कितनी मिली थी? 1 रुपये भी ईदी नहीं मिली? अरे पागल हो गया क्या? 20 रुपए? अरे नहीं यार, चल आजा आजा, लाइन लाइन का है, लाइन से लाइन से आओ, लाइन में लगो, लाइन में लगो, लाइन में लगो, ये लो। चल एक दूसरा तो ये लेगा ही नहीं, उसको पता है। ये ले, ये ले, ये बिरयानी, ये ले, नहीं ठीक है ना, पिछड़ जा। सबकी देख रहा हूँ, चल चल चलो चलो, सुकून से आओ, नज्म जब्त सीखो बेटा, आराम आराम से जाओ। चलो खेलिया भैया, खेलिया लकड़ी करो, आराम से, आराम से बेटा, आराम से। ओए इधर के, हेलो ले लिया, वो लेंगे और यहाँ पे ले। चलो लाइन से, लाइन से, लाइन से, लाइन से, चलो लाइन से, पकड़ के निकल ले, निकल ले, खड़े नहीं होना, पकड़ के निकल, नीचे हो जा। बच्चों के लिए है वैसे ये, लेकिन आप बड़े भी ले लें। चले आपको तो मिल गया ना बच्चा, आपको मिल गया बेटा, आपको मिल गया। चलो पास से पीछे, पीछे पीछे लाइन में, लाइन में बेटा, नंबर में, तमीज में, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन क्या है छीना। कितनी ईदी आपने, कितनी ईदी जमा की थी? कितने जमा हुए थे? जमा ही नहीं हुए। और आपने, आपने, आपने कितने जमा किए थे? अरे बता ही नहीं रहे, बताओ ना। हमारे पास कितने इधर? 100 रुपये थे। 100 रुपये खाली है सारे पड़े में? 100 रुपये थे। कहाँ गए? 100 रुपये कहाँ थे, कहाँ गए 100 रुपये? 10 रुपये तेरे को 10 रुपये मिले थे? 200 रुपये मेरे पास 50 रुपये 50 रुपये तेरे पास कितने पर्स दिखा, कितने पर्स में? 50 रुपये अच्छा तेरे पास कितने पैसे, जेब दिखा, जेब दिखा, जेब तो खाली है तेरी? नहीं नहीं 50 रुपये उसके पास जेब है। 50 रुपये जेब में पड़े हैं? 20 रुपये हैं बस। 10 इसको दो, ले लो, लेके चले जाओ, चले जाओ बाहर, लेके चले जाओ। एक इसको दो, आप भी लेके चले, इसको दो, बच्ची को, इनको दो, एक हाँ एक लेके लाइन में हो जाओ। मुझे पीले वाला दे दो। चलो चलो
दे दो इसको भी दे दो। हाँ सुबह से कितनी बेची? हाँ इसमें कुल कितनी है देखो, गिनो। लेनी है अभी अभी घूमो, अभी खेलो, वो गिन रहा है, खेलो अभी। कितने 800 रुपए हो गए? 800 से 50 का ऊपर है। हाँ 50 60 का ऊपर है। चलो एक एक बेटा, सबको एक एक, सबको एक एक। मैं जा रहा था शहर और पार्क है जरवारी शाह पर ही, यहाँ रुका हूँ। बच्चे वो साहिन जो है वो पापड़ लिए थे, कुछ खिलौने लिए थे बच्चों के दिए, पापड़ वगैरह बाबा जी थे वो सब जो है वो साहिन जो है। हाँ भाई खत्म नहीं हो गए, बच्चों को मैंने बड़ी कोशिश की डिसिप्लिन सिखाने की लेकिन बहुत मुश्किल है। घर पर कोई है? सब घर पे हैं। सारी रात को काया। भाई मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, मैं ये सच में मैं ऑन एयर वीडियो में अपने तमाम व्यूअर से भी आपसे भी माजरत चाहता हूँ। सच में मैंने ना मैंने कल सुबह भी नाश्ता नहीं किया, कल भी घर से निकल गया, थका हुआ बहुत था। मैं आधे शहर तक आया हूँ, आप तक नहीं आ सका। और आज भी मैं सुबह से निकला हुआ था यहाँ का, मैंने तय किया था। मुश्तबा को फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं लगा। फारूक भाई के घर पर मेहमान आ गए, फिर बच्चे को लिया मैंने, फिर आया। नहीं अब मैंने नहीं खाना खाना, सच्ची बात। नहीं सालन भी नहीं लेके जाना। मैं देखने वाले को बताऊं, बाबा जी ने हमारी दावत की हुई थी, मुझे कह रहे थे भी आपने ज़रूर आना। और बाबा जी ने पाए की दावत की थी, पाए ईद के पहले दिन को नहीं मिले आपको? नहीं मिले। शाम को मिले? हाँ, कल मिले, कल शाम को। कल शाम, आज दूसरा दिन है ना ईद का। हाँ। तो कल ईद वाले दिन ही शाम को मिले? हाँ ईद वाले दिन शाम को। तो आपने पाए खा लिए फिर? हमने खाए, मजबूर। हम नहीं खा सके उसके लिए माजरत है। आप लेके जाएंगे? नहीं लेके नहीं जाऊंगा मैं, लेके तो जाने। नहीं 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 नहीं, कौन खाएगा भाई? आप माशाल्लाह से पुराने जमाने के बंदे हैं, आप खा जाएंगे सारे? नहीं हम नहीं खा सकते। अच्छा क्या हाल है, खैरियत से हो? ठीक हो? हाँ भाई ईद मुबारक। मेहमान भी आए हुए हैं क्या? हाँ तुमने तो सही, खुले में चार भैया। कैसी हो बहन? खैर मुबारक, ठीक हो? हाँ बच्चों ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ भाऊ अच्छा ईद मुबारक। सारे बच्चे आज, सारे बच्चे इकट्ठे हैं आज ईद पे तो सब इकट्ठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है सही है। खुला माहौल कर लिया फिर, खुला माहौल कर लिया मैंने कहा। ठीक ठीक ठीक। चाय बिल्कुल नहीं पीनी? ईदी कितनी ईदी जमा हुई थी तुम्हारी? कितनी जमा हुई थी? ईदी नहीं मिली? 250 अभी 350 हो गए। ये साढ़े ये लो, तुम्हारे कितने हुए थे? 150 रुपये हुए थे, डबल मिल गए। आप 500 रुपये रखें, ठीक है? तुम्हें तो नहीं देना, तुम तो बड़े बच्चों को देनी है। चल आ जा। ईद के दूसरे दिन का सूरज डूब रहा है। मैं यहाँ आया था खिपरो स्टैंड के पास सिद्दीक साहब के घर बच्चों को ईदी देने के लिए। माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। दो धड़ का बच्चा और बहुत बड़ा अजदहा
अब पता नहीं क्या क्या ये अनाउंसमेंट होती थी मेरे सामने है। इसमें वो चिड़ियाघर है जो मुख्तलिफ जगहों पर चले जाते हैं। ये मौत का कुआं है, ये सब कुछ शाम में यहाँ पर एक मेला है गुलस्तान बल्दिया मीरपुर खास में, तो यहाँ पर शाम में सारी रौनक होगी। शाम में मैं यहाँ नहीं आ पाया, आज ईद का तीसरा दिन है। तो ये है वो सफरी चिड़ियाघर। अब इसके अंदर कौन से जानवर हैं वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस तरह के सुना करते थे कि दो धड़ का बच्चा, वो तो खैर ड्रामा आया था। और ये है जनाब देव कामत झूला, और वो सामने फ्लाइंग बोट कश्ती, और फिर वो एक कारों वाला झूला। यहाँ पर कुछ खाने पीने के स्टॉल, लेकिन ये सब कुछ शाम में। बच्चे कुछ आए हुए यहाँ पर, आवे झूले बोले झूले तुमने झूले झूले हाँ ये झूलना है सही। कैसे चढ़ोगे? अरे सीढ़ी लगा लेते ना। ईद का तीसरा दिन है तो बच्चों के पास ईदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ बच्चे हैं, झूला बंद था उनके लिए स्पेशली झूला चलाया हमने। अल्लाह इनको झूला झुलाओ यार। अरे कर दे नीचे कर दे, बच्चे डर रहे हैं। ये खतरनाक है, बिल्कुल अच्छा नहीं है ये। ओ चाचा यूट्यूब बना रहा बच्चा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास का एक मरकज़ी इलाका हीराबाद, और ये है हीराबाद का चौक गौशाला। ईद का आखिरी दिन, शहर के और इलाकों में आपको कहीं रौनक नज़र नहीं आएगी, लेकिन हीराबाद में आज भी हल्ला गुल्ला अच्छा खासा है। लगे हुए बच्चे लगे हुए, बहुत मज़ा आ रहा है हैदराबाद में। अच्छा लग रहा है। हाँ तुम भी झूले झूल के एंजॉय कर रहे हो? ये अपना झूला है? ये अपना झूला हमारा। अच्छा अपना झूला है। कितने की बोतल है? 50 रुपये की बोतल है। अजीब सी ही ये ओंगी मोंगी हरकतें बचपन में ले जाती हैं। बेटा केयरफुली ध्यान से ज़रा। आए हाय, अब वो सब कुछ याद आता है, लेकिन खैर हमारे ज़माने में ये चीज़ तो नहीं थी, लेकिन और बहुत सी हरकतें इस तरह की। मसाले
मेरी दुबई में गई तस्वीर। अनीफ कालिया जैसी बनानी है, अनीफ काले जैसी। ये पेमेंट और नहीं चला रहे चले भाई, ये खाएंगे ये मुश्तवा साहब के लिए। और ये है गोला गोलगप्पा, पानी पूरी गोलगप्पा एक ही बात है। केचप नहीं डलवाए? नहीं केचप बोलूंगा। हाँ केचप नहीं, केचप नहीं, चने डाल दो बस। क्या हम चने डालने के लिए कर ले यार? नहीं डालना मिर्ची वाला केचप है। अच्छा और इमली वाला पानी है बंगाल। ये बता तुम्हारे माशाल्लाह हमारे 25-30 कूलर चले जाते हैं। अच्छा खाने के साथ भी ये पीते हो? जी चलो भाई चलो, ये लो इनको दो। ये इतनी खुशी में बच्चों को दे रहा है। ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो अब खत्म होती जा रही है। कोई जमाना था ये बनाना, एक बना के दिखाइए। नहीं नहीं पैसे नहीं लो, पैसे मैं दे रहा हूँ आप ले लो। ये क्या चीज बनी है? पंखा? जादू जादू जादू। अच्छा जादू, सही सही, क्या बात है। अच्छा घुमा घुमा के खुल गया, इधर दिखाओ बेटा। हाँ अच्छा बना, अच्छा लग रहा है, खाओ फिर जाओ। हमीरपुर खास शहर में बड़े बड़े झूले तो नहीं है। यही चंद झूले जो मैंने आपको दिखाए उनमें से सबसे छोटा झूला ये है। छोटे मासूम बच्चे इसमें कंफर्टेबल रहते हैं। जिस गोला गंडे वाले के पास में अभी मौजूद हूँ, ये हीराबाद का सबसे मशहूर गोला गंडे वाला है। दो बच्चों ने पहले झूले थे, ये 50, ये 5 बच्चे, ये ठीक है, ये रख लो पूरे रख लो आप, ठीक है अंकल आपने तो कमाल ही कर दिया आज। अच्छा, अच्छा ये जो हमारी अम्मा है ना, अम्मा नहीं हमारी बेटी हमारी, अच्छा कह रही थी अंकल पैसे दे के जाना नहीं तो ऐसे में पकड़ लूंगी आपको बाद में। ऐसे ही दे दिए ना पैसे, ये दे। गौशाला की तरफ से हीराबाद गौशाला मीरपुर खास, ये सब बच्चे गौशाला के हैं। हीराबाद अहमदानी कॉलोनी मेहर सिनेमा। जो जो कुछ बचपन की ईदों को लेकर मेरे जहन में महफूज था, ये झूले वगैरह, गोला गंडा, कुल्फियाँ या गोल गप्पे, दही बड़े टाइप, या फिर जो नॉर्मली पान नहीं खाते थे ईद पर, मीठा पान ईद पर जो नॉर्मली खाते हैं वो नहीं, उनके लिए नहीं। और उसके बाद साल के बाद ईद ईद पर फिल्म देखना जब हम थोड़े से बड़े हो रहे थे, तो मेहर सिनेमा मौजूद है लेकिन यहाँ फिल्म कोई नहीं चलती, एक बेवरेजेस कंपनी का कुछ गोदाम वगैरह है,
फिरदौस सैनमा टूट चुका है, कायम सैनमा टूट चुका है, तस्वीर महल और पैलेस के अंदर फर्नीचर शॉप्स खुल चुकी हैं, पाशा सैनमा का जमीन पर कोई वजूद नहीं, एक मेहरान सैनमा होता था आई थिंक वो खत्म हो चुका, ये इसकी कुछ बिल्डिंग कुछ मौजूद है। तो हमने जब देखा यहाँ छत नहीं होती थी और रात में दो शोज नॉर्मल चला करते थे और ईद वाले दिन कुछ तंबू तरपाल तान दिया करते थे, साथ में एक ग्राउंड होता था, उससे पहले एक खड्डा घड़ा होता था। अब यहाँ लाइब्रेरी मौजूद है, तो कुछ यादें हैं उन लोगों की जो यहाँ फिल्में देखते रहे। आगे हमदानी कॉलोनी, और मुझे दो तीन दिन पहले नोमान भाई की कॉल भी आई हुई थी, हमदानी कॉलोनी से ही अमेरिका में सेटल है, तो उनसे डिटेल बात होनी है अभी, तो यहाँ आया चूंकि तो उनकी याद हाँ ज्यादा शिद्दत से आ गई कि यही नोमान भाई भी रहा करते थे।